ये गलत सोच रही हूँ। ये विश्वास है आपका? जी हाँ, ये मेरा विश्वास है। आप अपने विश्वास के साथ रहिए, मुझे मेरे प्यार के साथ रहने दीजिए। अगर ये विश्वास और प्यार की जंग है तो मुझे मंजूर है। जया बहादुरी एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने जीवन में शादी के बाद राजनीति में कदम रखना शुरू किया। जया बच्चन जी अपनी राजनीति पारी की शुरुआत समाजवादी पार्टी से 2004 में की थी और तब से अब तक वह 4 बार राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। जया बच्चन जी का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर के एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम जया बहादुरी बच्चन है। इनकी माता का नाम इंदिरा बहादुरी और इनके पिताजी का नाम तरुण बहादुरी था, जो कि एक लेखक के साथ पत्रकार और स्टेज आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल से पूरी की थी। 1966 में उन्हें एनसीसी का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिला हुआ था। इसके अलावा उन्होंने फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में एक्टिंग भी सीखी और वह गोल्ड मेडल के साथ पास हुई थी। 15 साल की उम्र में ही उनका अभिनय करियर तब शुरू हो गया था जब वह एक बंगाली फिल्म महानगर में नजर आई थी। इसके बाद जल्द ही वह मुंबई आ गई और उन्होंने कई हिंदी भाषा की फिल्मों में काम किया हुआ है, जिनमें जवानी दीवानी, उपहार, अनामिका, अभिमान, शोले, बावर्ची, चुप चुप के और जंजीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। सिलसिला जो 1981 में अपने पति अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने के बाद वह लंबे समय के ब्रेक पर चली गई। इसके अलावा उन्होंने शहनशाह जो 1988 में आई थी, इसकी पटकथा भी लिखी, जिसमें उनके पति लीड रोल में थे। 18 सालों के लंबे ब्रेक के बाद जब वह दोबारा लौटी तो उन्होंने फिर से कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जिनमें से कभी खुशी कभी गम, 1084 की माँ, कल हो ना हो, लागा चुनरी में दाग, ये सभी फिल्में शामिल हैं। 3 जून 1972 को जया जी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी से शादी की थी और 2 बच्चे जिनमें से इनकी एक बेटी है जिनका नाम है आराध्या बच्चन। उनके पति अमिताभ बच्चन जी का नाम अभिनेत्री रेखा जी के साथ भी जुड़ चुका है, जिसकी चर्चा आए दिन होती रहती है, लेकिन वह इन चीज़ों के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। फिल्मों में अपने दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। साथ ही 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 3 बार IIFA अवार्ड से भी सम्मानित जया बहादुरी जी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय जय भारत। धन्यवाद।